एवरीवन, ये करेंट टेस्ट सीरीज का 34वां पार्ट है और हम लोगों ने 33 पार्ट कर लिया है। तो सबसे पहले 33वें पार्ट का उत्तर करना है। तो उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर है 80वां, दूसरे प्रश्न का उत्तर है भोपाल, ई कचरा क्लिनिक भोपाल में खुला है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चौथे प्रश्न का उत्तर है 7। पांचवे प्रश्न का उत्तर है बास्केटबॉल, कॉम्बे ब्रायंट जो बास्केटबॉल से संबंधित है। छठे प्रश्न का उत्तर है 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। और सातवें प्रश्न का उत्तर है रूस, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में हुआ। आठवें प्रश्न का उत्तर है मैसूर, अंतर्राष्ट्रीय पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन मैसूर में हुआ। और नौवें प्रश्न का उत्तर है 19 से 25 नवंबर यूनेस्को द्वारा वर्ष 2019 में विश्व विरासत सप्ताह 19 से 25 नवंबर को मनाया गया। दसवें प्रश्न का उत्तर है इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि। तो बहरहाल यह है कि बार बार सुनना है, इसका कोई और उपाय नहीं है, बार बार सुनना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर मैं पहला प्रश्न लेता हूं। नवंबर 2019 में आयोजित 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सहयोगी देश कौन थे? दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय जनजाति उत्सव आदि महोत्सव 2019 का आयोजन 16 नवंबर से 30 नवंबर तक कहां किया गया? तीसरा प्रश्न, हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? चौथा प्रश्न, किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व की गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला? पांचवा प्रश्न, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? और आपसे आग्रह है, बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी, सब चीज होगा और आप बार बार इसको प्रैक्टिस करें। जीके 1 से 105 को पहले तुरंत कंप्लीट कर लीजिए और करेंट की 1 से 50 वीडियो उसको कर लीजिए और टेस्ट वगैरह करते रहिए डेली। 5 मिनट का है, लगा दिया कीजिए, सुनते रहिए। ऐसा है कि देखिए, लगा दीजिएगा, सुनते रहिएगा, 10 क्वेश्चन में 3 तो 4 सीख ही लीजिएगा। तो बार बार सुनते रहिए, सुनते रहिए। मन नहीं कर रहा पढ़ने का, फिर भी सुनिए। मैं मानता हूँ कि मन नहीं कर रहा है, फिर भी आप सुनते रहिए, क्योंकि इससे क्या है, अभी नहीं लेकिन कल होके आपको जॉब लगनी है। और बार बार आप सुनेंगे, तत्पर रहेंगे, तो आप मान लिया वैकेंसी आ गई, फॉर्म भरा गया, तो तैयारी 3 महीने में नहीं होगी ना, पहले से आप करते रहिएगा तो हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है आपका होना तो है ही। छठा प्रश्न है, कौन सा राज्य 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? सातवां प्रश्न, 22 जनवरी 2020 को किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? आठवां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? नौवां प्रश्न, 20 जनवरी 2020 को जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दसवां प्रश्न, 25 जनवरी 2020 को किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? उप प्रमुख। तो चलिए, साथ में आपसे आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस तो करते हैं, उसको करते रहिए, बिल्कुल मत छोड़िए। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर, लाइक और कमेंट भी कीजिए, आंसर भी कीजिए। आप जो है एक बार में नहीं तो अगली बार में आंसर कीजिए। आंसर करने से आपके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और आपको एक नया नॉलेज बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हमने कुछ किया।